मध्य प्रदेश में उस वक्त लोग हैरान पड़ गए जब उन्होंने दो जिलों के पुलिसकर्मियों को आपस में भिड़ते देखा। दरअसल चेन स्कैनिंग के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी का श्रेय लेने को लेकर ये झगड़ा हुआ। सतना और पन्ना जिले की पुलिस आपस में उलझ गई। इस बीच चार में से दो चोर फरार हो गए। वहीं अब सतना पुलिस ने सफाई दी है कि सिविल ड्रेस की वजह से और कम्युनिकेशन होने के कारण ऐसा हुआ। हालांकि 30 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। स्नैचिंग की वारदात की एसपी पन्ना से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने शेयर की। एसपी पन्ना और हमारी टीमों ने मिलकर ज्वाइंट टीम तैयार की और इसमें एसपी शामली का भी बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट हमको मिला। उस इनपुट के आधार पर ये लोकेट किया गया कि जो चाइनीज नेचर गैंग है ये बावरिया गैंग के सदस्य हैं। शामली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 12 गांव इस तरह के ट्राइबल गैंग्स के हैं। उस इनपुट के आधार पे जो लोकेशन चित्रकूट में थी और चित्रकूट में अमावस्या का त्यौहार था, अमावस्या के त्यौहार पे इस बार लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु चित्रकूट में दर्शन के लिए आए हुए थे। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच से इस गैंग के सदस्यों को चिन्हित करके अरेस्ट करना। पन्ना डिस्ट्रिक्ट और हमारी संयुक्त टीम में लगभग 50 लोग जो शामिल थे, सभी टीमें सिविल ड्रेस में काम कर रही थी। तो इनपुट के आधार पर जब ज्वाइंट रेड की गई तो धर्मशाला से इस गैंग के दो सदस्यों को प्राइमरीली गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद एक जो मेंबर और था उसको अरेस्ट किया गया है। इस प्रकार से गैंग के 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इस वारदात में जो बाइक शामिल थी सफेद रंग की पार्टी उसको भी जब्त कर लिया गया है। ये बेसिकली प्रोफेशनल चेन स्नैचर गैंग है, इंटरेस्टेड वारदातें करते हैं और सतना डिस्ट्रिक्ट से लगभग 800 किलोमीटर दूर ये आए थे इलाहाबाद होते हुए और 3 तारीख से लेके चित्रकूट में ही अलग अलग धर्मशालाओं में कैंप कर रहे थे और मोटरसाइकिल से मूवमेंट करके ये वारदातें करते थे। वारदातें करने के बाद उनकी भागने की संभावना थी। तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन रहा, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। इसमें एसपी शामली की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने सूचना मिलने के तत्काल अपनी टीमें एक्टिव की और काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट्स हमें शेयर किए जिसके आधार पर एक सफल ऑपरेशन हो सका। तो सर एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें थी, जबकि पन्ना एसपी से बात हुई उन्होंने कहा ज्वाइंट ऑपरेशन था। देखिए बहुत क्राउड थी, लगभग 50 लोगों से अधिक की टीम जिसका नेतृत्व तो एसडीओपी अभिनव जो आईपीएल ऑफिसर थे वो कर रहे थे। 50 लोगों की टीम पन्ना डिस्ट्रिक्ट और सतना डिस्ट्रिक्ट सिविल ड्रेस में थी। सिविल ड्रेस में होने के कारण कई तरह के कन्फ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप की स्थितियाँ जरूर हुई है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन है और इसमें जो दोनों टीम शामिल हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।